मैथ कास्टिंग लवर्स, कास्टिंग डॉट्स, स्पिनिंग दोनों में भी अवेलेबल है, दोनों के लिए भी बना है, सेम ब्रांड सेम क्वालिटी है। दोस्तों ये कुछ बातें थी आपको बतानी थी इस रॉड के बारे में और फिशिंग के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। और आज आपको मैं कुछ बताना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूं मेरा नया रॉड। जैसे मैंने लास्ट शॉर्ट वीडियो में कहा था कि मैंने फिशोलिक डेडली हंट रॉड मंगवाया है, तो ये मेरे पास आ चुका है। देखिए, तो ये मैं आप लोगों के सामने अनबॉक्सिंग करूंगा और इसका डिटेल देखूंगा भी और आपको भी बताऊंगा। वैसे भी मैं एक बेस्ट कास्टिंग रॉड मंगाने वाला था और एक अच्छी रॉड कौन सी है मंगाना सोच रहा था, तो उतने में इन्होंने एक नया रॉड लॉन्च किया और इसका डेड लिफ्ट इन्होंने उठा के दिखाया 6 kg, जो कि बहुत ही ज्यादा है बेथ कास्टिंग 7 feet रॉड से। और हमारे दोस्त एंगलर बड़े भाई जैसे हैं संजय भाई, लातूर के सीनियर एंगलर है, फर्स्ट ईयर रॉड उन्हीं के पास आया, तो उन्होंने आप देख सकते मेरे चैनल के शॉर्ट पे डाला है मैंने, किलर स्पिनर से कैच किया है और इसी रॉड से 7 feet रॉड से 6.5 feet या 7 feet रॉड के पास उससे उन्होंने 2.5 kilo का मछली उठा उठा के पटका है। तो मैंने सोचा ये सही है, तो मैंने देखते ही है मंगवा लिया भाई। तो ये आप लोगों को भी इसका डिटेल बताऊंगा फिशोलिक डेडली हंट रॉड का। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा पैकिंग हो गया है, इसमें स्पिनिंग और बेथ कास्टिंग दोनों रॉड है। आगे चल के अभी एक बेथ कास्टिंग रील भी मंगाना है जो अच्छा है, देख के मंगाएंगे या फिर फिशोलिक का ही ब्रांड का आने वाला है। जब रॉड अच्छा निकाला तो रील भी वो सोच समझ के निकालेंगे भाई अच्छा वाला। डेडली हंट रॉड स्पिनिंग 8 feet। इसको साइड रखते हैं। फिशोलिक डेडली हंट रॉड कास्टिंग रॉड 198 यानी 6.5 feet का है। तो इसी का फला स्टेशन बताते हैं, कवर में आता है ये। और ये रॉड का खास बात है ये देखिए आप, डबल टिप है भाई, टॉप सेक्शन आपको डबल मिलेंगे, 2 tips के साथ आएगा। के सामने मैंने इसको अभी ओपन किया अनबॉक्सिंग। बहुत अच्छा डिजाइन किया है भाई और लुक भी बहुत अच्छा दिया है। और ये देखो रिंग गाइड्स, क्वालिटी रिंग गाइड्स है डिजाइन। अब इसका डिटेल जानते हैं। ये है कास्टिंग रॉड जो बेथ कास्टर रील में यूज होता है, डिजाइन बहुत ही खूबसूरत बनाया है और रील से हैंडल का डिस्टेंस भी 1 feet से ज्यादा दिया है जो कि सही है ग्रिप के लिए। कई रॉड्स में छोटा होता है तो अनबैलेंस हो जाता है, ग्रिप जबरदस्त है। फिंगर होल्डर ग्रिप और ये 6.5 feet का रॉड है फिशोलिक
डेडली हंट। तो इस रॉड का डिटेल आपको बता दूं, लेंथ है 1.98 मीटर यानी 6.5 फीट और इसका लूर वेट दिया है इन्होंने 8 ग्राम से 40 ग्राम तक, यानी 8 ग्राम से 40 ग्राम तक बहुत अच्छा सही कास्टिंग हो जाएगा इसके ऊपर आप कर सकते हैं। और इसके साथ दो टिप आएगा, एक हैवी और एक मीडियम हैवी, ये बहुत अच्छी बात है भाई। कल को कुछ भी एक टिप को प्रॉब्लम आ जाता है तो आप दूसरा यूज कर सकते हैं, रॉड वेस्ट नहीं होगा बहुत और चलेगा भाई आपका। मेन कुछ प्रॉब्लम होता है तो फ्रंट टिप पे ही होता है, तो दो टिप के साथ आ रहा है भाई तो फायदे वाली चीज है। और इसका मैक्स ड्रैग दिया है 10 kg, 10 kg तक आप पुल कर सकते हैं मैक्स ड्रैग। वैसे आप एंगलर के ऊपर है निकालने के लिए तो और बड़ा से बड़ा मछली निकाल सकते हैं, अपने आपके ऊपर भी ये निर्भर करता है। तो देखिए रिंग गाइड, कार्बन मटेरियल रॉड है और बहुत सही रॉड है ये, बेथ कास्टिंग दो टिप के साथ आएगा, रॉड आपके सामने है। और इसका मैं आपको बताता हूँ, हमारे संजय भाई और जो ये इसके ओनर है फिशोलिक के, उन्होंने खुद डेड लिफ्ट टेस्ट किया है 6 kg का, तो ये वीडियो भी मैं अटैच करूंगा और भी आप देख सकते हैं वीडियो। आप वीडियो देखिए, कितना किलो दिखा रहा है? अराउंड 5 kg। वाह सुपर, इतना इतना ऊपर आपने लिफ्ट कर लिया, देखिए कैसा चांद बन गया एकदम। ये देखिए देखिए ऐसा मैं कर रहा हूँ, रखे भी उठा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, इधर इधर देखिए, ये देखिए ऐसा पटक रहा हूँ, इधर देखिए। और जो इसकी जरूरी बात है वेट, 200 ग्राम तक होगा, मैं वेट करा के आपको बताऊंगा। बहुत ही लाइट वेट है, बिल्कुल ही महसूस नहीं हो रहा कुछ वजन पकड़ा है क्या नहीं है, बहुत ही लाइट वेट रॉड है। और एक टिप निकाल देंगे तो और हल्का हो गया है, इजी है भाई, आप कितने बार भी कास्टिंग करो तो आपका हाथ दर्द नहीं होगा, बहुत लाइट वेट बना है। तो ये हो गया बेथ कास्टिंग रॉड का, कास्टिंग रॉड का। अब मैं आपको बताता हूँ स्पिनिंग, सिंगल लेग गाइड के साथ आएगा फर्स्ट टिप, आगे के 3 गाइड्स डबल लेग, इसका मेंटेन किया है उस हिसाब से ताकि लॉन्ग कास्ट हो। एक दो तीन चार पांच छह सात 8 ड्रिंक गाइड्स है 6.5 फीट रॉड में, 8 सही है बिल्कुल। तो आप आपको बता दें स्पिनिंग रॉड, क्योंकि मैं खेलता आ रहा हूं खेलता हूं, ये भी डबल टिप के साथ मिलेगा आपको, सेम मटेरियल है सेम क्वालिटी है, बस ये स्पिनिंग रील के लिए है और वो कास्टिंग रील के लिए है। ये देखिए टॉप सेक्शन, 2 सेक्शन आएंगे इसके साथ भी, और ये रॉड टोटल 3 पीस, यानी इसके साथ भी एक एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको टॉप सेक्शन, एक हैवी है और एक मीडियम हैवी है, जैसे बेथ कास्टिंग में सेम, ज्यादा फर्क नहीं है। इसके साथ भी डबल टिप आ रहा है, सेम है, सेम डिटेल है, सेम क्वालिटी। और इसके रिंग गाइड्स बता दो आपको, इसमें भी आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 रिंग गाइड्स है भाई, छोटा बड़ा में नहीं है, 8-8 दिया है, वो सही है। फर्स्ट सिंगल लेग है 4 गाइड्स, इसमें सारे सिंगल लेग है स्पिनिंग में, 1 2 3 4 5 6 7 7 गाइड्स सिंगल लेग रिंग गाइड है। ये सेक्शन में आपको, बट सेक्शन में आपको
डबल लेग वाला मिले। वैसे रॉड से कभी भी मछली डेडलिफ्ट नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं है, लेकिन बहुत सी जगह ऐसी होती है कीचड़ की, या फिर कभी आप हाइट पर रुकना पड़ता है, या फिर आगे आप जा नहीं सकते, गड्ढा होता है, तो उस जगह में कई जगह में खींचना पड़ता है, मछली को लेके आगे आना पड़ता है, या फिर उठा के बाजू में रखना होता है, साइड से साइड लेना होता है, लैंडिंग के लिए प्रॉब्लम आता है। तो रॉड का इतना तो कैपेसिटी होना चाहिए कि 2-3-4 किलो तक का मछली भी आप उठा के साइड में फेंक सके या फिर उसको निकाल सके। तो इन्होंने ये रॉड टेस्ट करके ही बताया है मार्केट में, जो मैंने आपको वीडियो क्लिप दिखाया, आप देख सकते हैं। और इसका और जो ये क्वालिटी इन्होंने दिया है इन रॉड्स में, तो इसके हिसाब से रेट बहुत रिजनेबल है भाई, 2000 के रेंज में आ रहे हैं। 6.5 फीट का रॉड शायद 1950 है, और 7 फीट का 2100 या 2050, और 8 फीट का रॉड स्पिनिंग का आपको मिलेगा 2250 से 2300 तक, 2250 का इसका रेंज है। तो ये 2000 के रेंज में ही आपको एक जबरदस्त रॉड मिल रहा है, अगर आप कहीं नया रॉड खरीदना चाहते हैं तो इसे ले सकते हैं। इससे पहले भी मैंने अनबॉक्सिंग किया 3 साल पहले अबू गर्जिया टूर्नामेंट रॉड का, जो अब तक चला है मेरे पास, आज तक भी मैं यूज किया हूँ, लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। तो उसके बाद ही मैं कोई भी चीज ऐसे ही नहीं बताता अनबॉक्स। तो भाई लोग 2000 के रेंज में बहुत सही रॉड बनाया है, स्पिनिंग लेना चाहते हैं तो स्पिनिंग लीजिए या कास्टिंग लीजिए, क्वालिटी और स्ट्रेंथ दोनों भी दिया है फिशोलिक ब्रांड ने। आप लोग को भी अगर मंगवाना चाहते हैं तो फिशोलिक ये नंबर पे कॉन्टेक्ट नंबर दूंगा, इस पे आप कॉल करके मंगवा सकते हैं, या फिर अपने नजदीकी शॉप में जो अवेलेबल है तो वहां से भी ले सकते हैं। स्पिनिंग और कास्टिंग दोनों है आपके सामने, तो आपके ऊपर भी है। और कभी भी एक जरूरी बात बताता हूं, इसको संभालना भी आपके ऊपर है, ऐसा नहीं कि मजबूत रॉड है कहीं भी फेंक दिया मछली लगने बाद इसको साइड में उठा के फेंक दिया, ऐसा मत करो। खास करके जब आप ट्रेवलिंग करते हो कार बाइक, तो इसको ये देखिए एक रॉड बैग लीजिए, या फिर अपना बैग बनाइए, कुछ भी बनाइए, तो उसको सेफ्टी कवर होना चाहिए ऐसा बैग की तरह, या फिर कवर में बाइक में ऐसी जगह लगाइए इसको ताकि इसको मार ना लगे, यानी कुछ झटका गड्ढे गड्ढे बाइक जाएगा तो इस पर असर ना हो और उस पर पैर ना दे। बहुत लोगों को मैंने देखा है बाइक में कहीं भी बांधते हैं, टाइट बांधते हैं तो उसको पैर भी उसी पर रखते हैं, तो इस वजह से अगर झटका लगता है तो क्रैक हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो खास करके जब आप रॉड स्पॉट पे लेके जा रहे हैं अपने घर से, कार में भी मैंने देखा है बहुत लोगों को कहीं भी सीट के नीचे दबा देते हैं, या फिर वो बैग्स के नीचे रख देते हैं, उसके ऊपर बैग रखते हैं, तो ऐसा मत कीजिए भाई। आपको अगर बहुत दिनों तक कोई भी रॉड रील यूज करना हो तो सेफ्टी कीजिए, ऐसे पाइप में ना सही तो एक कवर अच्छे कवर में रख के एक ऐसी जगह पे इसको लेके जाइए, सेफ रहे, इसको धक्का ना लगे। बहुत लोग बाइक पे और कार्स में लेके जाते हैं तो प्रेसिंग करके ही रॉड अपने उधर डैमेज हो जाता है, जब कास्टिंग करने जाएंगे तो कहेंगे कि भाई रॉड टूट गया, तो आपका संभालने का काम है। और घर पे भी ऐसी जगह रखिए उठाकर, गिरे ना, बच्चों लोग के हाथ ना लगे, ठीक है। तो सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, रील हो, कोई भी लूर हो या आपका रॉड हो, तो ड्राइविंग समय बाइक के ऊपर भी एक ऐसी जगह भी इसको बांधिए या फिर होल्ड करके बैठिए, तो ये सेफ्टी में रहे, इसको मार ना लगे, इसको झटका ना लगे, ठीक है। और स्पून स्पिनर बहुत अच्छी तरह चल रहा है भाई, हैदराबाद, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, और अपने मैंने जो कहा अभी राजस्थान, हर जगह से एंगलर लोग बड़े बड़े कैचेस कर रहे हैं इसके ऊपर, बहुत अच्छी तरह इसका रिव्यू आ रहा है। स्पून स्पिनर अगर चाहिए तो मेरे नंबर, मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए, नंबर पे आपको मिलेगा भाई, ओरिजिनल ब्रांड किलर स्पून एंड स्पिनर्स। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप फिशिंग गुड फिशिंग। ये देखो, ये सिर्फ कार्बन मटेरियल में आता है भाई,
लाइटनिंग से और करंट से दूर रखिए, तार से, बिजली के तार से दूर रखिए रॉड को।